बाज रुला देने वाली कहानी। 14 साल की उम्र में मैं जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था, बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम काज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ में अपनी सास को देखा, आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मुझे सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की पर सासू माँ ने कमी निकाल दी, साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था क्योंकि वह तब बीए कर रहे थे और अमर भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती। बीच बीच में अमर चिट्ठी लिखते थे पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांज कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निवृत्त होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो वह वही पेड़ मेरे साथी होता था। उसको देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। अमर भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज अमर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी, खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 सिंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था, शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, अमर आ गए हैं हवेली। हलचल से पता चल गया था। मुझे खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए। अमर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी अमर ने मुझे तोहफा एक सुंदर साड़ी पर मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की जिनमें कुछ शिकायतें थी कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सासों को रोका हुआ था। और फिर मुझे अमर के हवाले करके वो इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ अमर और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी पर धीरे धीरे उन्होंने
अपना रुख कड़ा कर लिया। हम व्यस्त रहते थे अपने काम में, सो वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बाज है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बाज बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के बाद ठीक से पालन पोषण भी न हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर के खाने पर घर आए, तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा अमर कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। अमर, कुछ बात करनी है आपसे, मैं थक गया हूँ। धानी, मुझे सोने दो। अमर, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? धानी, मैंने कहा ना, सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं। तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते उधर माँ है और इधर तुम, परेशान हो गया हूँ मैं। मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए। धानी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा कौन है मेरा? धानी करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही, और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अमर ने भी मान स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए। पर उसे ये कहा मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। एक महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी गेंदा से हो गई। गेंदा अमर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। धानी, अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले जा, आज से गेंदा इस कमरे में रहेगी। अमर के साथ सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ ये कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रख कर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इससे कुछ कम हो जाएगा, किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा। जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या मैं इसकी तरह अडिग और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सब ले लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। गेंदा एक सुलझी हुई लड़की है, वो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। अमर पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आँखों
में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। गेदाने दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गेदा ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया भी मेहमान आ गया। शायद मेरी जिंदगी का सोलापन, गेदा बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल, उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी गेदा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा भी कि गेदा को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, और सासू माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं। और अमर की वही पुरानी आदत कि अपनी माँ के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते थे। एक दिन गेदा की तबीयत कुछ खराब होने लगी, उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबरा कर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलावा भेजा। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई, और जब मैंने अमर को ये सब बताया तो सासू माँ ने मुझे गेदा से दूर रहने का आदेश दे दिया। ये कहकर भी एक बाज की छाया भी नहीं पड़ी गेदा पर। खैर, मुझे गेदा से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या ये कहूँ कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से गेदा को कुछ ना हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुन के मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो मैदा के प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अमर की तरफ देखा, बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया गेदा की कमजोरी और खून की कमी के कारण वो गेदा को बचा नहीं पाए। बेटी को जन्म देते ही गेदा का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुँह नहीं देख पाई मैं, अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दूध मुहे बच्ची को देखकर मेरा कलेजा मुँह को आता था। ऐसे लगता जैसे वो मैं हूँ। मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा। जिनकी माँ नहीं होती वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। शायद जरा भी परेशान नहीं करती थी वो मुझे, बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता रहता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अमर अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी अमर को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था गेंदा को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज गेंदा की बरसी है, हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है। मैंने पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुँह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को वो बांस पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुँह बन गया और
कहना शुरू कर दिया कि इसी मनहूस पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने अमर की तरफ देखा, पर मुझे नहीं लगा कि वो मना करेंगे। और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला दिया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आगे बढ़ने लगे, मैं फुर्ती से भाग कर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींच कर धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। ये देखकर अमर से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और अमर को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वही थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? अमर ने पूछा। हाँ, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? अमर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता, अब ये माँ बनने वाली है, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ कर दो, और मैं मुस्कुरा कर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटती हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने गेंदा के समय की थी वो अब ना हो। बधाई हो, आपके पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकाल कर नर्स को दी। वो खुश थी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी, सब खुश थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया था। बेटी और बेटे के आने से और एक खुशी की और भी पनप रही थी। वो उस आम के पेड़ में फल आ रहे थे। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगे हैं फल मिलने की, पर हर चीज का एक समय होता है। कुपोषित शरीर हो गया या पेड़, दोनों ही फल नहीं।